फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में दो ऑप्शंस लिए हैं उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला वाक्य पाप का अंत बुरा ही होता है ऑप्शन आर ए दिन आर डेथ या बी

राइट इज ऑप्शन ए यू हैव प्लेड इन स्टेड ऑफ वर्किंग यहाँ पे वर्किंग आना चाहिए वर्कड नहीं आना चाहिए सो ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपके ऐसा कहने पर आपत्ति है ऑप्शन आर ए आई ऑब्जेक्ट टू योर सेइंग दैट या बी आई ऑब्जेक्ट फॉर योर सेइंग दैट राइट इज ऑप्शन ए आई ऑब्जेक्ट टू योर सेइंग दैट ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है फॉर नहीं आता सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ होता ऑप्शंस आर ए आई विश आई वर देयर या बी आई विश आई वॉज देयर राइट इज ऑप्शन ए आई विश आई वर देयर। आई विश के बाद हमेशा वर आता है बेशक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी वर आएगा वाज नहीं आएगा सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य मैं खुद की देखभाल करने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ ऑप्शन आर ए आई एम एनफ टू लुक आफ्टर माई सेल्फ या बी आई एम स्ट्रॉन्ग टू लुक आफ्टर मी राइट इज ऑप्शन ए आई एम एनफ टू लुक आफ्टर माई सेल्फ मैं खुद की संभाल करने के लिए मजबूत हूँ तो माई सेल्फ आना चाहिए मी नहीं आना चाहिए अगला वाक्य ट्रेन समय से चल रही थी ऑप्शन सर ए द ट्रेन वॉज रनिंग ऑन टाइम या बी द ट्रेन वॉज रनिंग इन टाइम राइट इज ऑप्शन ए द ट्रेन वॉज रनिंग ऑन टाइम ऑन टाइम होता है इन टाइम नहीं होता सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य वह जुए का आती है ऑप्शन सर ए ही इज डिवोटेड टू गैम्बलिंग या बी ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग एक बुरी आदत के लिए हम एडिक्टेड वर्ड यूज करते हैं डिवोटेड नहीं करते सो ऑप्शन बी इज राइट अगला वाक्य वह उसे बर्बाद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है ऑप्शन टू रोइन हिम या बी ही इज इन डिटरिंग हिम राइट इज ऑप्शन ए ही इज डिटर टू रोइन हिम डिटरमिन के बाद टू आता है इन नहीं आता सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य मेरा एक भाई है जो पंजाब में एक उच्च पद पर है ऑप्शन सर ए आई हैव ए ब्रदर हु ए हाई पोस्ट इन पंजाब या पी आई हैव ए ब्रदर विच हैव ए हाई पोस्ट इन पंजाब राइट इज ऑप्शन ए आई हैव ए ब्रदर हु होल्ड ए हाई पोस्ट इन पंजाब पर्सन के लिए हम हु वर्ड यूज करते हैं विच नहीं करते सो ऑप्शन ए इज़ राइट अगला वाक्य इस निबंध में एक से अधिक दोष हैं ऑप्शंस आर ए देर आर मोर देन वन फॉल्ट इन दिस ऐसे या बी देर इज मोर देन वन फॉल्ट इन दिस ऐसे राइट इज ऑप्शन ए देर आर मोर देन वन फॉल्ट इन दिस ऐसे ज्यादा फॉल्ट्स हैं तो आर आएगा सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य यह सबसे उल्लेखनीय मामला है ऑप्शन आर ए दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल केस ऑफ ऑल अदर्स या बी दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल केस ऑफ ऑल राइट इज ऑप्शन भी दिस इज़ द मोस्ट रिमार्केबल केस ऑफ ऑल ऑफ ऑल अदर्स क्यों आएगा सारे केस इसमें से रिमार्केबल है तो ऑल आना चाहिए अगला वाक्य क्या आप जानते हैं कि आप किस से बात कर रहे हैं ऑप्शन सर ए डू यू नो होम यू आर स्पीकिंग या भी डू यू नो हो यू आर स्पीकिंग राइट इज ऑप्शन ए डू यू नो होम यू आर स्पीकिंग होम आना चाहिए किससे बात कर रहे हैं होम आना चाहिए हो नहीं आना चाहिए सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य मैं जी जान से लड़ूंगा ऑप्शन आर ए आई विल फाइट टू एंड नेल या बी आई विल फाइट विथ टू एंड नेल राइट इज ऑप्शन ए आई विल फाइट टू एंड नेल फाइट के बाद विद टूथ एंड नेल नहीं होता टूथ एंड नेल होता है सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य मेरे पास पत्र लिखने के लिए कलम नहीं है ऑप्शंस आर ए आई हैव नो पेन टू राइट द लेटर विथ या बी आई हैव नो पेन टू राइट द लेटर राइट इज ऑप्शन ए आई हैव नो पेन टू राइट द लेटर विद विद प्रपोजिशन बाद में जरूर आनी चाहिए सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य उसने कभी इस स्कूल में नहीं पढ़ाया ऑप्शन आर ए शी नेवर इन दिस स्कूल या बी शी डिड नेवर टीच इन दिस स्कूल राइट इज ऑप्शन ए शी नेवर टॉट इन दिस स्कूल नेवर में वर्क एज इट इज रखते हैं इसको तोड़ते नहीं है सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य मैं इस बैंक में काम करता था ऑप्शन आर ए आई यूज टू वर्क इन दिस बैंक या भी आई यूज टू वर्किंग इन दिस बैंक राइट इज ऑप्शन ए आई यूज टू वर्क इन दिस बैंक यूज टू के बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म आती है आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य यदि आप उससे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे तो वह आपकी सहायता करेगा ऑप्शन सार ए ही विल हेल्प यू इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम पोलाइटली या बी ही विल हेल्प यू इफ यू विल रिक्वेस्ट हिम पोलाइटली राइट इज ऑप्शन ए ही विल हेल्प यू इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम पोलाइटली इफ वाले सेंटेंस में हम कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य हम होटल पहुंचे ऑप्शन आर ए वी रीच्ड एट द होटल या बी वी रीच द होटल राइट इज ऑप्शन बी वी रीच द होटल रीच के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती सो ऑप्शन बी इज राइट अगला वाक्य एक क्रिकेट टीम में ग्यारह खिलाड़ी होते हैं ऑप्शन देर आर इलेवन प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम या बी देर इज इलेवन प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम राइट इज ऑप्शन ए देर आर इलेवन प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम इलेवन प्लेयर्स है तो आर आएगा सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य शांति और समृद्धि ही हमारा आदर्श है ऑप्शन आर ए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आर आवर आइडियल्स या बी पीस एंड प्रॉस्पैरिटी इज आवर आइडियल राइट इज ऑप्शन बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज आवर आइडियल पीस और प्रोस्पैरिटी एक ही मीनिंग को दर्शाते हैं इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा प्लूरल नहीं होगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग